लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। महिलाओं में मेनोपॉज की स्थिति के बारे में आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, लेकिन क्या आपको मेल यानी पुरुष मेनोपॉज के बारे में पता है? जी हां, ये बात थोड़ा चौंका देने वाली है, लेकिन जिस तरह एक अवस्था के बाद महिलाओं को मेनोपॉज की स्थिति से गुजरना पड़ता है, उसी तरह एक अवस्था के बाद पुरुषों को भी मेनोपॉज की स्थिति से गुजरना पड़ता है। पुरुषों की इस स्थिति को एंड्रोपॉज भी कहते हैं। उम्र के साथ पुरुषों के शरीर में भी हार्मोन्स स्तर पर परिवर्तन नजर आने लगते हैं। जिस तरह महिलाओं में मेनोपॉज के कारण एस्ट्रोजन हार्मोन्स की कमी आने लगती है, उसी तरह पुरुषों के शरीर में एक उम्र के बाद टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की कमी होने लगती है। 50 से अधिक वर्ष के पुरुषों में सामान्यतः इस स्थिति को देखा गया है। 50 वर्ष के बाद पुरुषों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्तर कम होने लगता है। पुरुषों में मेनोपॉज के लक्षण काफ़ी कम दिखते हैं। पुरुषों के शरीर में भी 30 वर्ष के बाद टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने लगता है। चलिए जानते हैं कि मेल मेनोपॉज के लक्षण और कारण क्या है। मेल मेनोपॉज के लक्षण हैं एनर्जी कम होना, कामेच्छा की कमी होना, फैट या मोटापा बढ़ना, मूड स्विंग होना, अवसाद होना, उदासी होना, पुरुषों का हार्मोनल असंतुलन होना, नींद ना आना। किन कारणों से होता है पुरुषों में मेनोपॉज? पुरुषों में 30 वर्ष के बाद टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का की गिरावट प्राकृतिक रूप से होने लगती है। 80 साल तक यह समस्या बढ़ती और घटती रहती है। इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे पुरानी बीमारियों में आपका डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से ग्रसित पुरुषों की ये स्थिति आम है। मोटापा के कारण पुरुषों में मेनोपॉज की परेशानी होनी आम बात है। कुछ दवाओं के कारण भी टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन में कमी आती है। अभी आपको ये जानना जरूरी है कि टेस्टोस्टेरोन का कर्ता क्या है। आपके शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन की भूमिका क्या है? पुरुषों के लिंग और वृषण यानी अंडकोश का विकास, ये टेस्टोस्टेरोन का काम है। पुरुषों में दाढ़ी मूछ लाना टेस्टोस्टेरोन का काम है। मांसपेशियों में वृद्धि करना टेस्टोस्टेरोन का काम है। शरीर में वीर्य का निर्माण करना टेस्टोस्टेरोन का काम है। मूड स्विंग बदलना ये टेस्टोस्टेरोन का काम है। शरीर में रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाना टेस्टोस्टेरोन के कारण ही होता है। मस्तिष्क के कार्य को बेहतर करना टेस्टोस्टेरोन करता है। पुरुषों में मेनोपॉज की स्थिति का निदान क्या है? उम्र के साथ साथ पुरुषों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की गिरावट देखी जाती है। ये एक सामान्य स्थिति है। अगर आप कम उम्र में ही पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन्स की गिरावट होती है तो इसका इलाज किया जा सकता है। 50 से कम उम्र होने पर मेनोपॉज की स्थिति में डॉक्टर आपके टेस्टोस्टेरोन को टेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपकी मेडिकल हिस्ट्री की जांच की जाती है, साथ ही कुछ मामलों में ब्लड टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं। पुरुष मेनोपॉज का उपचार क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ मेल मेनोपॉज। ज़्यादातर मामलों में मेल मेनोपॉज का इलाज करने की जरूरत नहीं होती है। हालांकि अगर कम उम्र में ही पुरुषों में ये समस्या है तो
तो उन्हें टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है। हालांकि ये थेरेपी कम लोगों को दी जाती है क्योंकि इसमें कई तरह के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे आपका हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ दी हुई हैं, उससे आप अपना टेस्टोस्टेरोन बढ़ा सकते हैं, जैसे अश्वगंधा, शिलाजीत, आपके ड्राई फ्रूट्स, किशमिश, दूध और हैवी आपका खाना, ये आपका टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ा सकते हैं, आप सेक्सुअल आप परफेक्ट हो सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो फैमिली और फ्रेंड में हमारा वीडियो शेयर करें, और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिलें। धन्यवाद।